बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय टुडे टॉपिक इज़ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल एम्प्लॉइज इन फूड प्रोसेसिंग एस्टेब्लिशमेंट हु आर कंसर्न्ड विद एनी एस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग शुड हैव सम नॉलेज ऑफ फूड बॉर्न डिजीज एंड मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। जो एम्प्लॉइज़ वगैरह फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्हें थोड़ा बहुत समझ बूझ होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए अबाउट पर्सनल हाइजीन। वो ट्रांसमिट कैसे होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन कैसे काज करते हैं फूड को, फूड बोर्न इन्फेक्शन। जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें यानी थोड़ा बहुत समझ बूझ होनी चाहिए, स्पेशली जो फूड हैंडलर्स हैं। द फूड हैंडलर्स मस्ट हैव अ नॉलेज अबाउट द हैंडलिंग ऑफ द फूड, के कैसे फूड हैंडल करना है, कैसे हमने इसे बचाना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से, कैसे कंज्यूमर को सेफ रखना है। हैंड्स कफिंग एंड स्नीजिंग ओवर फूड आर द यूजुअल वे इन विच द फूड हैंडलर्स कैन स्प्रेड इन्फेक्शन एंड काज फूड पॉइजनिंग। जो खांसी है या नज़ला वगैरह है या छींके वगैरह जो आती हैं, तो जिस इसकी वजह से खुराक जो है वो कंटेमिनेटेड होती है। और इसके अलावा यानी खुराक कंटेमिनेटेड होती है और इन्फेक्शन काज करती है, तो इस तरह की ना बेसिक चीज़ें वो लोग जो हैंडलर्स फूड हैंडलर्स हैं उन्हें स्पेशली पता होना चाहिए। किसी किस्म की भी हैंडलिंग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से लेके जो फिनिश प्रोडक्ट है उसमें यानी कई तरह की यानी हैंडलिंग आ जाती है, कि कैसे ट्रिम करके कैसे उसे सेव रखना है, कैसे प्रोडक्ट तैयार करनी है, कैसे प्रोडक्ट तैयार करके पैकेजिंग भी आ जाती है, स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन हर तरह की यानी हैंडलिंग किसी किस्म की भी हो, तो उस बंदे को एल डी सी ये नॉलेज होना चाहिए कि वो कैसे अवॉइड कर सकता है इस तरह के कंटेमिनेशन को। फूड हैंडलर्स मस्ट टेक स्क्रपलस एंड अटमोस्ट केयर अबाउट द पर्सनल बैक्टीरिया विच दीज शुड बी नॉट एडिड इन द फूड। देर आर सेवरल वेज इन विच द फूड कैन बी पास थ्रू द ह्यूमंस टू द फूड। Bacteria can pass from handlers to the food. There are a lot of ways like secretions from nose, throat and skin. जो गला है या नाक है उसकी secretion ये काज कर सकती है bacteria। इसके अलावा dust, dandruff from hair, जो इंसानी जिस्म के बाल हैं इस सर के स्पेशली ये, और जो dandruff इसमें मौजूद होता है तो ये भी इन्फेक्शन काज करते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीटा फ्रॉम बाउल, जो बाउल इसका एक्सक्रीटा है उसकी यानी कंटेमिनेशन हो सकती है अगर प्रॉपरली उसे एक्सक्रीटा यानी फारग होकर आपने हैंड वॉश नहीं किए प्रॉपरली। फिर स्पेशली द ट्रांसफ़र ऑफ द पीपल फ्रॉम वन टू अदर, यानी कि जो लोग हाथ वगैरह मिलाते हैं बाय शेकिंग हैंड्स, तो जो अगर वो एक बंदे ने प्रॉपरली हैंड वॉश और नहीं किए, सैनिटाइज नहीं किए, तो वो फिर वो इन्फेक्शन काज कर सकता है दूसरे बंदे को। फिर वो जब यानी वो किसी चीज़ को छुएगा या खुराक वगैरह को टच करेगा तो डेफिनेटली विल काज फूड इन्फेक्शन। इसके अलावा क्लॉथ, टॉवल, डिशेस और यूटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं अगर उसे प्रॉपर वॉश नहीं किया हुआ या बर्तन वगैरह जो हैं वो प्रॉपरली वॉश नहीं है या उन्हें फिर गंदे हाथों के साथ छुआ गया है, यानी वो कोई बंदे ने यानी कि अपने हाथ वगैरह साफ़ नहीं किए किसी काम से फारग होकर, तो फिर डेफिनेटली कॉज इन्फेक्शन। तो सबसे पहले पॉइंट आ जाता है हैंड्स। हैंड्स आर द मेन रीज़न आर मेन काज फॉर द स्पाइल ट्रांसफ़र ऑफ द दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन। ये जो हाथ होते हैं इसकी वजह से स्पेशली जो बैक्टीरियाज हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं फ्राम हैंडल्स टू द कंज्यूमर। देर आर पर्सनल बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ द हैंड्स, स्टेफलोकोकाई विच रिजाइड्स ऑन द हेयर फॉलिकल्स, पोर्स, सर्विसेस एंड दे मल्टीप्लाई ऑन द स्किन ऑफ द ह्यूमन्स एंड काज इन्फेक्शन टू द फूड एंड अदर पीपल। दीज बैक्टीरिया नॉर्मली मल्टीप्लाई एंड होस्टेड ऑन द हेयर फॉलिकल्स विद इन द हेयर, दे विल काज इन्फेक्शन। द फॉरन बैक्टीरिया आर दोज गॉड विच आर गॉड एक्सीडेंटली ऑन द स्किन ऑफ द सर्फेस ऑफ द हैंड। दे माइट बी शजीला क्लॉस्ट्रिडिया आर अदर लाइक बैक्टीरिया लाइक साल्मोनेला, दीज आर द फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया विच माइट बी प्रेजेंट एक्सीडेंटली ऑन द हैंड्स ऑफ द हैंडलर्स।
नेक्स्ट है फिंगर नेल्स। द फिंगर नेल्स आर द सेकंड डोमिनेंट रीज़न फॉर द फूड कंटेमिनेशन बिकॉज द नेल्स द डस्ट डर्ट डब्स एंड अदर डेब्रिस लाइक मटीरियल्स आर प्रेजेंट विद इन द नेल्स सो प्रॉपर केयर शुड बी टेकन टू द फॉर द क्लीनिंग ऑफ द नेल्स। This type of contamination is difficult to remove by the simple hand washing, so we can use different types of brushes to remove these types of contamination from the nails. Nail must be short, unvarnished, and scrupulously clean. यानी कि जो नाखून है वो तो बिल्कुल या छोटे होने चाहिए या फिर बिल्कुल साफ़ सुथरे, यानी एक तो छोटे हों साफ़ सुथरे हों और उस पर वार्निश वगैरह ना की हो, यानी कि नेल पॉलिश वगैरह ना लगी हो। तो क्योंकि नेल पॉलिश नाखून लंबे होंगे तो लगाएंगे ना, अगर नाखून ही बंदे के छोटे छोटे हों तो फिर नेल पॉलिश नहीं लगाएंगे। मैनी फूड प्लांट्स रिक्वायर क्लीनिंग अंडर फिंगर नेल्स विद प्लास्टिक ब्रशेस एंड नेल एंड नाइलॉन ब्रशेस। नेल ब्रशेस शुड बी डिसइंफेक्ट पीरियडिकली प्रेफरली बाय हीट एंड हाइपोक्लोराइड सोडा। जो हम ब्रशेस वगैरह यूज़ करते हैं तो उनको भी यानी कि डीकंटेमिनेट करने की ज़रूरत है, उसे हम हाइपोक्लोराइड सोलूशन के साथ यानी कि उसे या हीट के साथ प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करते हैं। एटलीस्ट 30 सेकंड शुड बी डिवोटेड टू एक्टिव स्क्रबिंग फॉलो बाई रिंसिंग। जो हम यानी जब हम हाथ वगैरह नाखून ब्रश के साथ साफ़ करेंगे तो उसे एटलीस्ट 30 सेकंड यानी हमने यानी कि रब करना है ताकि वो जो उसमें डेब्रिस वगैरह या डस्ट डर्ट वगैरह प्रेजेंट है तो वो उसमें से निकल जाए, और फिर प्रॉपरली रिंसिंग वगैरह करनी है, अच्छी तरीके से पानी यानी गिराना है नाखूनों के अंदर तो ताकि वो जो जर्म्स वगैरह हैं वो बाहर निकल आए। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी एंड वॉशिंग। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हैंड वॉशिंग इट शुड बी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडस्ट्री इन विच द दिस फैसिलिटी फॉलो एज वेल एज द प्रोडक्ट विच आर मेड इन द प्रोसेसिंग एरियाज। के यानी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हैंड वॉशिंग है वो डिपेंड करती है कि आप किस तरह की फैक्ट्री किस प्रोडक्ट बन रही है और किस तरह की फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं। Employees who come in direct contact with the food must wash their hands within 2 hours, यानी कि 2 घंटे तक एटलीस्ट वो अपना हाथ यानी पीरियडिकली वो वॉश करें, सैनिटाइज करें प्रॉपरली ताकि जर्म्स वगैरह डस्ट वगैरह यानी कि उस पर कोई चीज़ ऐसी मौजूद ना हो जो कि कंटेमिनेशन काज कर सके। इसके अलावा जो यानी कि एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो इफ़ दे विल रिटर्न फ्रॉम द ब्रेक एंड लंच और अदर सच टाइप ऑफ एक्सिलरी फैसिलिटीज़, अगर वो इस तरह की फैसिलिटीज़ वगैरह यूज़ करके वापस प्रोसेसिंग एरिया में दाखिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले वो हाथ धोने ज़रूरी हैं। किसी के भी काम यानी कि वो एम्प्लॉय जो भी है यानी कि अगर वो किसी काम से किसी किस्म का भी कोई काम हो, ये ज़रूरी नहीं कि वो लंच करने गया या कुछ और, तो वो शुड वॉश हिज हैंड बिफोर रिटर्न टू द प्रीमिसेस ऑफ द फूड। नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग सोप्स। हैंड वॉशिंग सोप डिस्पेंस फॉर्म ए फिक्स कंटेनर ए लिक्विड आर फाइनली फ्लैग्ड आर पाउडर फॉर्म हैज़ एडवांटेज ओवर सोप टैबलेट्स। जो डिस्पेंस फॉर्म ए लिक्विड और पाउडर फाइनली पाउडर अवेलेबल हैं इन द मार्केट्स, दे आर डेफिनेटली बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू द टैबलेट्स बिकॉज द टैबलेट्स दिस कम एंड कर्ड विल अकोमोडेट इन देयर because different types of people wash their hands and it will become the source of contamination and it will cause the cross contamination and spread the infection, so the hard soaps should be avoided and the people should wash their hands with the dispensed liquid form or powder form. नेक्स्ट है वॉशिंग सोल्यूशंस में सोल्यूशंस ऑफ क्लोरीन आइडोग्राम्स और क्वार्टरनी अमोनियम्स कंपाउंड्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर वॉशिंग ऑफ हैंड्स। डिफरेंट टाइप्स के वॉशिंग सोल्यूशंस मार्केट्स में अवेलेबल हैं जैसे कि क्लोरीन है, आइडोग्राम्स है और क्वार्टरनी अमोनियम सोल्यूशंस हैं, तो ये डिसइंफेक्शन और डीकंटेमिनेशन करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि जो हैंड है वो प्रॉपरली डीकंटेमिनेट और डिसइंफेक्टेड हो जाएं। तो इसके लिए प्रॉपर एक यानी कि
जो टेम्परेचर है वो ये है कि इट द सॉल्यूशंस टेम्परेचर शुड बी स्लाइटली आर अबव द बॉडी टेम्परेचर, यानी इंसानी जिस्म के से थोड़ा के बराबर, यानी टेम्परेचर 37 डिग्री हो या उसके लगभग हो। तो अगर टेम्परेचर 32 डिग्री से कम होगा या 43 डिग्री से ज़्यादा होगा तो इट विल टेंड टू डिस्करेज द वॉशिंग। तो टेम्परेचर का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता है इस तरह के वॉशिंग सॉल्यूशंस को यूज़ करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लुब्रिकेंट्स, क्रीम्स एंड लोशंस। मैनी फूड मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट नो डिस्पेंस क्रीम्स एंड लोशंस कंटेनिंग बैक्टीरियल साइडल सब्सटेंसेज फॉर हैंड वॉशिंग एज वेल एज स्किन लुब्रिकेंट्स एंड बैरियर क्रीम्स। डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज़ ने डिफरेंट टाइप्स के क्रीम लोशंस या वो लुब्रिकेंट्स क्रीम्स बनाई हैं ताकि जो यानी कि आप इजीली हैंड अपने सैनिटाइज कर सकें, वॉश कर सकें, क्लीन कर सकें। तो इनके एक तो डिसएडवांटेज ये है कि ये मसलन कोई इस तरह की लुब्रिकेंट या क्रीम अगर बहुत ज़्यादा हैवली परफ्यूम्ड होगी तो वो डेफिनेटली इट विल काज different types of problems in the handling of the food. So the heavily perfumed such type of lubricants and cream should be avoided, and a simple and inexpensive lotion may be made from the gum tragacanth and glycerin in the proportion of 1/3 and few drops of each of lemon, 1 or 2 parts of glycerin and water with a few drops of lemon and lavender, commercially produced and in both effective and economically. जो यानी commercially available हैं, जो वो economical भी हैं और वो effectively असर करते हैं bacteria और जरासीम पे। फिर location of hand washing facility, तो जो आप वॉशिंग फैसिलिटीज़ जो आप कंज्यूम ये हैंड फूड हैंडलर्स को दे रहे हैं तो वो एलडीसी यानी जो डिफरेंस है वो प्रोसेसिंग एरिया या जो जहां फूड वगैरह हमारी तैयार हो रही है तो वहां उसका यानी डिफरेंस यानी कि एक फास्ट प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, मसलन 8 फुट के यानी एलडी से फासला होना चाहिए प्रोसेसिंग जो आप हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और प्रोसेसिंग एरिया का होनी ये मेन एंट्री के यानी कि रास्ते में चाहिए कि ताकि जो भी यानी कि अगर कोई फूड हैंडलर्स वो किसी काम से या कोई या अदर यानी लंच ब्रेक वगैरह या नमाज का कोई भी यानी इंटरवल पर गया तो वापसी पर मेन रूट जहाँ से वो एंटर हो रहा तो वो प्रॉपरली हैंड वॉश आउट कर रहे। इसी तरह जो यानी ड्रिंकिंग वाटर है वो भी यानी मेनली 8-10 यानी फुट से यानी परे होना चाहिए। तो इसका मेन मकसद यही होता है कि जो स्प्लैशी या एरोसोल जो पानी के अंदर से बनते हैं तो वो खुराक के अंदर ना शामिल हो जाएं और कंटेमिनेशन ना काज करें। फिर आ जाता है इसी तरह की यानी नोट्स वगैरह अवेलेबल वो चस्पा किए जाते हैं दीवारों पर ताकि जो है हैंडलर्स या जो एम्प्लाइज़ हैं आपके वो इस तरह के नोट्स वगैरह को पढ़ते रहें और वो फिर इन पे अमल दरामद भी करें कि यहाँ पानी है, यहाँ जब आपने एंटर होना है तो सबसे पहले हाथ धोना है, इस तरह के यानी स्लैगन वगैरह या यो डैशबोर्ड्स वगैरह पे जो नोट्स वगैरह चस्पा किए जाते हैं ताकि लोग प्रॉपरली फॉलोस कर सकें रूल्स को, रेगुलेशंस को। फिर है ड्राइंग ऑफ हैंड्स, देर आर सेवरल वेज ऑफ ड्राइंग ऑफ हैंड्स, डिस्पोजिबल पेपर टॉवल्स एंड कंटीन्यूज रोल टाइपर्स आर क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि जो रोलर टाइप्स और टिशू पेपर्स वगैरह अवेलेबल हैं या पेपर टॉवल्स तो वो काफ़ी सूटेबल हैं एज़ कम्पेयर टू द कॉमन टॉवल विच वी यूज़ इन आवर डेली रूटीन इन लाइफ। के जो टॉवल वगैरह हम घरों में वगैरह यूज़ करते हैं तो वो यानी कि अगर एक बंदा इस सेम टॉवल को यूज़ करेगा तो फिर वो इट विल स्प्रेड आउट द इन्फेक्शन, यानी फिर वो इन्फेक्शन एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ मुंतकिल होगी और वो फिर डेफिनेटली फूड की तरफ मुंतकिल होगी। तो फिर इंडस्ट्री वगैरह में इस तरह के टॉवल्स वगैरह को डिस्करेज किया जाता है और जो पेपर टॉवल्स हैं उन्हें प्रेफर किया जाता है। और जो एक एन इलेक्ट्रिक ड्रायर इट्स आल्सो वेरी सूटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ, पर इन इसके सब कुछ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके डिसएडवांटेजेस में ये आ जाता है कि जो एन इलेक्ट्रिक एयर ड्रायर है वो यानी एक तो कॉस्टली है, कॉस्टली को छोड़ें यानी कि वो अगर आप यानी हाथ वगैरह धो साफ कर उसे ड्राई करते हैं तो इट विल टेक टाइम टू ड्राई द हैंड्स। फिर ये है कि जो इसका यानी हवा का प्रेशर आता है तो वो फिर जो आपके ये डस्ट
वगैरह डर्ट वगैरह जो ज़मीन फर्श पे इंडस्ट्री के है तो वो फिर वो डेफिनेटली डस्ट डर्ट वगैरह उड़ेगी और वो विल कंटेमिनेट द फूड। तो इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। फिर ये इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो जो रेस्ट एरियाज़ हैं या रूम एरिया जहाँ वो अपना लंच वगैरह करते हैं तो वहाँ फिर डेफिनेटली इस तरह की फैसिलिटीज़ ठीक रहती हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रेमिसेस विद इन द लेआउट द फूड। फिर आ जाता है कट्स एंड अब्रेशंस। कट्स एंड अब्रेशंस में आ जाता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के यानी कट्स वगैरह या स्किन डैमेज हो जाती है हैंड फूड हैंडलर्स की, स्पेशली जो बॉयलर्स में काम करते हैं, बॉयलर रन करते हैं या अदर टाइप्स, तो फिर वो कट्स वगैरह जो हैं वो इट्स अ सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन और बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह विल बी डेफिनेटली देयर। सो प्रॉपरली इफ़ द पर्सन वॉन्ट टू कंटिन्यू हिज कम्प्लीट द टास्क इट शुड बी यूज वाटर प्रूफ बैंडेजेस एज वेल एज द एंटीसेप्टिक एंड बैक्टीरियासाइडल कंटेनिंग सोल्यूशंस सो दैट देर शुड बी नो जर्म्स विल बी देयर एंड इट विल नॉट काज एनी टाइप्स ऑफ इट नॉट काज एनी हैजर्डस इफेक्ट ऑन द फूड। फिर है यूज़ ऑफ ग्लव्स। रबर के ग्लव्स को जो है वो प्रेफरेंस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द नेक्ड हैंड्स जो जिनके हाथ मोस्टली डिप रहते हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं यानी वो डिफरेंट टाइप्स पानी यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप फॉर वॉशिंग ऑफ द हैंड्स और इन सम केसेस दे यूज़ हॉट वाटर। तो सो इस तरह के लोगों के लिए ये ग्लव्स वगैरह ठीक हैं। इसके अलावा जो लोग फ्रीजिंग टेम्परेचर पे काम करते हैं हैंडलिंग ऑफ द फूड तो उनके लिए भी ग्लव्स सूटेबल हैं। तो इसके अलावा यानी ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं जो दूसरे थिन ग्लव्स यूज एज़ कम्पेयर टू द रबर ग्लव्स दीज आर आल्सो सूटेबल फॉर द फूड इंडस्ट्रीज। तो फिर नेक्स्ट आ जाता है हेयर इज़ आल्सो वेरी कॉमन सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन इन द फूड। जो एम्प्लॉयज़ वगैरह काम करते हैं फूड इंडस्ट्री में तो उन्हें यानी स्पेशली केयर करनी चाहिए कि जो उनके बाल्स हैं उनमें क्योंकि स्टेफलोकोकाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। उसके अलावा बाल वगैरह उस खुराक में गिर सकते हैं। इसके अलावा डैंड्रफ भी मौजूद हो सकता है बालों में जो कि खुराक को कंटेमिनेट कर सकता है। तो उन्हें इस तरह के यानी कि एक तो हमें बाल वगैरह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि कोई कंटेमिनेशन हो सके फूड में। तो इसके अलावा प्रॉपरली बालों को टाई किया होना चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए बाल। और जो नेट हेयर्स लेडीज़ जो हैं वो स्कार्फ वगैरह यूज़ कर लेती हैं या रिस्ट्रेंस वगैरह होती हैं तो ये हेल्पफुल होते हैं कि इस तरह की कोई कंटेमिनेशन हेयर के साथ फूड के अंदर ना हो सके। तो जो ये रिस्ट्रेंस वगैरह हैं तो इनके भी पहनने का यानी कि ख़ास तरीका है, मसलन कि अगर आप ये पहन के हाथ धोएंगे फिर वो बेहतर है कि आप रिस्ट्रेंस वगैरह ना यानी ये सिचुएटेड होने चाहिए नियर द फैसिलिटीज़ ऑफ हैंड वॉशिंग कि आप सबसे पहले अपनी कैप वगैरह बाल वगैरह सेट कर लें, इसके बाद आप प्रॉपरली वॉश हैंड करें और फिर आप इधर प्रेमिसेस ऑफ द प्रोसेसिंग एरिया जो आपका है फूड प्लांट का तो वहाँ आप आके प्रॉपरली अपना काम करें। फिर आ जाता है पर्सनल हैबिट्स। पुअर पर्सनल हैबिट्स एंड हाइजीन हैबिट्स आर नॉट और ऑफन डिफ़िकल्ट टू चेंज कि यानी जो लोगों को बुरी आदतें होती हैं वो यानी कि पुअर हैबिट्स जो हैं पर्सनल हाइजीन की वो यानी कि वो लोग कम ही हैं जो यानी कि छोड़ते हैं, पर हमें तर्क करना पड़ता है क्योंकि फिर अगर इनसे तर्क नहीं करेंगे तो फिर वी डोंट इंश्योर द फूड सेफ्टी। तो इसके लिए होता है यूजुअली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को यानी के लिए होते हैं ताकि ये हाइजीनिक कंडीशंस को इनकी इम्पोर्टेंस को समझे और उन एंड फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द पर्सनल हाइजीन। द प्रोग्राम्स कैन बी सप्लीमेंटेड विद पोस्टर्स स्लागन्स इंफॉर्मेशन शीट्स कॉन्टैक्ट्स एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोपोगेंडा। तो यानी डिफरेंट टाइप्स के यानी स्लोगन्स पोस्टर्स वगैरह यानी शीट्स वगैरह या डिफरेंट नोट्स वगैरह अवेलेबल किए जाते चस्पा किए जाते हैं द्वारों के साथ ताकि ये लोग इसकी फादियत को समझ सकें और फॉलो करें
अच्छी हैबिट्स एज कम्पेयर टू देर आर सर्टन बैड हैबिट्स विच शुड बी अवॉइडेड बाई द फूड हैंडलर्स. अनगार्डेड कफ एंड स्नीज कैन बी डिस्पर्स बैक्टीरिया सस्पेंडेड इन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर फ्राम द माउथ आर थ्रोट. जो यानी कि खांसी वगैरह या नज़ल जैसे यानी कि स्नीजिंग के दौरान जो ड्रॉपलेट्स वगैरह यानी अगर निकलते हैं इंसान के मुँह से या एम्प्लाइज के, तो वो फिर इट विल डेफिनेटली कॉज कंटेमिनेशन. तो जो स्नीजिंग कैन ट्रेवल जो यानी स्नीजिंग वगैरह हम करते हैं तो उसमें जो हमारी एयर हमारे निकलती है तो वो 100 miles per hour के हिसाब से निकलती है. तो फिर यानी कि फिर ये एक और रीज़न है कि ये इट विल कॉज कंटेमिनेशन और इतनी स्पीड के साथ कंटेमिनेट द फूड. तो इस टाइप ऑफ थिंग्स शुड बी अवॉइडेड इन द प्रोसेसिंग एरियाज. The habit of licking fingers, कोई कई लोग ऐसे होते हैं कि यानी कि वो अपनी उंगलियां वगैरह के साथ खेलते हैं या वो लिक करते हैं अपनी फिंगर्स वगैरह या फिर वो कोई चीज़ गिनने के लिए. मसलन कई लोग हमारे अमूमन आदत लोगों को है कि वो नोट गिनने शुरू कर देते हैं यानी लिकिंग करके, या फिर वो पेजेस टर्न आउट करने होते हैं तो उसके लिए भी वो फिर वो यानी लिकिंग करते हैं. तो इस तरह की यानी हैबिट्स हैं वो विल डेफिनेटली कंटेमिनेट द फूड. और जो हम वो पेजेस वगैरह मसलन पाकिस्तान में पैकेजिंग वगैरह के लिए सेकंड हैंड यानी कि जो है वो पैकेजिंग मटेरियल यूज़ होता है, मसलन ये कागज़ वगैरह यूज़ होते हैं डिफरेंट शॉप्स पे, तंदूर वगैरह पे या कोई और जनरल स्टोर पे लगा लें या आप डिफरेंट वेंडर्स यूज़ करते हैं, तो फिर वो डेफिनेटली जो कागज़ है वो कंटेमिनेटेड होगा और जो उसमें जो फूड हम रैप करेंगे तो वो विल डेफिनेटली काज कंटेमिनेशन. नोज़ पिकिंग एंड फिंगरिंग नोज़ में लीव स्टेफलोकोकाई ऑन एंड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म ऑन द हैंड्स फिंगर्स. अनदर पर्सनल हैबिट डैट मस्ट बी अवॉइडेड इन फूड इज स्मोकिंग. जो स्मोकिंग है ये बहुत ही बुरी चीज़ है, तो इसके लिए प्रॉपर शीट्स वगैरह चस्पा की होती हैं डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट ऑफिस में कि नो स्मोकिंग एरियाज या प्रोसेसिंग एरिया में तो ख़ास तौर पर स्मोकिंग नहीं अलाउ. अलबत्ता ये है कि जो आप फूड जो प्रोसेसिंग है प्रमिसेस एरिया उधर से आप बाहर निकल के फिर स्मोकिंग वगैरह कोई कर सकते हैं, यानी कि प्रोसेसिंग एरिया में तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं हो सकती. तो फिर ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लोकेशंस पे यानी कि ये पॉइंट्स ये बोर्ड साइन बोर्ड्स वेजा की होते हैं जस्पा की होते कि आप ये नो स्मोकिंग एरियाज हैं तो इधर आपने स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी. स्मोकिंग का एक ये भी नुकसान है कि मसलन जो वहाँ हाथ से सिगरेट पीते हैं तो फिर वो हम नाक और अपने मुंह को भी टच करते हैं, फिर उससे जर्म्स वगैरह कंटेमिनेशन इट विल काज कंटेमिनेशन, तो जर्म्स वगैरह स्प्रेड आउट होते हैं. तो फिर इस वजह से भी स्मोकिंग नहीं लो. यानी अगर कोई एम्प्लाइज है स्मोकर्स होते हैं तो फिर वो यानी अपने यानी प्रोसेसिंग एरिया से बाहर निकल के कहीं यानी कि फैक्ट्री की जो डोमेन्स है उससे बाहर निकल के फिर अपने यानी सिगरेट वगैरह पी सकते हैं. तो इस तरह की यानी काम जो हैं वो फिर कंटेमिनेशन काज करते हैं. फिर ईटिंग हैबिट्स द कंजम्पशन ऑफ बेवरेज फूड्स इंक्लूडिंग बेवरेजेस एंड च्युइंगम विद इन द प्रोसेसिंग एरिया इज़ नॉट परमिटेड. को जो च्युइंगम वगैरह है या खाने पीने की चीज़ें हैं तो ये जो प्रोसेसिंग एरियाज है वहाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इट विल आल्सो काज कंटेमिनेशन. और जो हैं आपका जो आप यानी फैक्ट्री जिसमें काम करते हैं मतलब चॉकलेट की फैक्ट्री है या डिफरेंट जूसेस की है या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जैम जेलीज, तो जो सेंसरी जो उसकी वगैरह करनी होती है तो उसके लिए फिर डेफिनेटली एक अलहदा रूम होना चाहिए कि जो मतलब सेंसरी लैब्स या डिफरेंट टाइप ऑफ रूम के जहाँ वो प्रॉपरली बैठ के अपना सुकून के साथ सेंसरी वगैरह कर सके. तो ये उधर यानी कि प्रोसेसिंग एरिया में नहीं सेंसरी वगैरह होनी चाहिए. The food process should not be consumed in the processing areas. There must be testing and sensory lab should be separate. फिर आ जाता कंजप्शन ऑफ बेवरेजेस स्नैक्स एंड लंचेस शुड बी टेकन इन अ सेपरेट रूम. यानी जो रेस्ट रूम एरिया होता है या जहाँ वो खा पी सकते हैं कि सेपरेट रूम हो स्पेसिफिक एरिया होता है वो प्लांट द एरिया शुड बी कैप्ट क्लीन एंड फ्री ऑफ द इंसेक्ट्स वगैरह. तो जहाँ वो खाना पीना वगैरह करते हैं या जहाँ वो सेंसरी वगैरह करते हैं वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए क्लीन होनी चाहिए और वहाँ किसी किस्म के इंसेक्ट वगैरह नहीं होने चाहिए.
अगर वो यानी वेंडर मशीन्स होती हैं सीरप्स वगैरह की या डिफरेंट मसल जूसेस वगैरह की, तो वहाँ अगर स्पिल्स वगैरह या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरप दे विल अट्रैक्ट द काक्रोचेज एंड फ्लाइज, को फिर इस तरह यानी कि अगर वो वहाँ गंदगी वगैरह फैलेगी तो फिर वो डेफिनेटली जर्म्स वगैरह फ्लाइज वगैरह या इंसेक्ट काक्रोचेज दे विल अट्रैक्टेड बाई द सीरप्स। फिर आ जाता है पर्सनल क्लॉथिंग एंड ज्वेलरी। क्लॉथिंग एंड ज्वेलरी में ये आ जाता है ऑल पर्सन एंगेज इन हैंडलिंग फूड शुड वेयर सूटेबल ड्रेस, कि यानी वो प्रॉपरली जो है वो ड्रेस पहनेंगे, एक यूनिफॉर्म होगा जो कि वो एम्प्लॉयज़ हैं वो पहनेंगे। अगर वो यूनिफॉर्म पहनेंगे तो दे विल फील कॉन्फिडेंस टूवर्ड द सैनिटेशन, कि वो लाजमी सैनिटेशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि उनका एक माइंड सेट होगा कि हमने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, हम फूड हैंडल कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली हम सैनिटेशन और डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। अगर यूनिफॉर्म लाइट कलर का होगा तो फिर उस पर दाग वगैरह उसे धोने का मसला, तो फिर वो यानी कि डिफ़िकल्ट टास्क है एज़ कम्पेयर टू अगर उनके यूनिफॉर्म वगैरह ज़्यादा डार्क कलर के होंगे तो वो फिर इजीली वॉशेबल हैं, और फिर वो यानी उन पर दाग धब्बे वगैरह अगर स्टेन वगैरह रह भी जाएँ तो वो फिर यानी उस पर नज़र नहीं आएंगे। इसके अलावा जो लाइट कलर यूनिफॉर्म शोज़ नीड फॉर क्लीनिंग मच अर्लियर दैन द डार्क, जो मैंने अभी बोला कि जो ये डार्क कलर हैं ये सूटेबल हैं एज़ कम्पेयर टू द लाइट कलर, एज वेल एज़ द गुड हाइजेनिक एंड सैनिटेशन कंडीशन शुड बी फॉलो, द यूनिफॉर्म शुड नॉट हैव एनी पॉकेट्स ऑन द अपर साइड, यानी कि जो यूनिफॉर्म जो यानी एम्प्लॉयज़ पहनेगा तो उस पर जो उस पॉकेट्स ऊपर वाली पॉकेट यानी जो शर्ट की पॉकेट्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो झुक के काम करेगा या अदर कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होगा तो जेब में से कोई कागज़ पेंसिल वगैरह या उसके ग्लासेस वगैरह या कोई और डायरी वगैरह, स्मॉल पॉकेट डायरीज भी होती हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की वो चीज़ें जो ऊपर वाली जेब में वो रखता है तो वो फिर वो खुराक में शामिल होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा जर्म्स डस्ट डर्ट वगैरह भी हो सकती है, कोई डिटर्जेंट वगैरह भी समटाइम रह जाते हैं जेबों वगैरह में, तो फिर ये इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली काज कंटेमिनेशन काज क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द फूड इंडस्ट्री एज वेल एज एम्प्लॉयज एंड एज वेल एज ट्रांसफ़र देर ट्रांसफ़र देयर प्रॉब्लम्स टू द कंज्यूमर्स, क्योंकि सफ़र तो फिर कंज्यूमर नहीं करना है ना जिसने ये खुराक खानी है कि क्या खा रहा है क्या, तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड होनी चाहिए। इसके अलावा जो पॉकेट्स हैं वो यानी साइड पॉकेट्स शुड बी बटनेबल, यानी कि जो पॉकेट्स वो नीचे वो भी बटन वाली हों ताकि वो उसकी चीज़ें वगैरह वो ना गिर सकें या किसी की कंटेमिनेशन के चांसेस कम से कम हों। पर्सनल वर्किंग इन फूड प्रोसेसिंग एरिया मस्ट नॉट वेयर एयर रिंग्स नेकलेस वॉचेस बैंगल्स ब्रेसलेट्स रिंग्स एंड अदर ज्वेलरी आइटम, जो फीमेल्स वगैरह होती हैं वो ये नेकलेस वगैरह एयर रिंग्स और बैंगल्स ब्रेसलेट्स, जो फीमेल वर्कर मोस्टली जो फूड इंडस्ट्री है उसमें यानी कि पैकेजिंग वगैरह के शोबे में ख़ासतौर पर फीमेल्स होती हैं, तो फिर ये फीमेल्स को यानी ये कहा जाता है कि हमने ये बैंगल्स ज्वेलरी और डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें जो हैं ये एयर रिंग्स और रिंग्स हैंड रिंग्स वगैरह तो इस तरह की चीज़ें ना पहने, तो इस तरह की चीज़ें भी यानी फिर इट विल काज क्रॉस कंटेमिनेशन टूवर्ड्स द फूड और दीज आर डिफ़िकल्ट टू डिसइनफेक्ट एंड अ थ्रेट टू प्रोडक्ट सिंस देयर इज़ अ रिस्क ऑफ फॉलिंग इन द प्रोडक्ट, तो ये यानी कि इस तरह की चीज़ें एक तो डिसइनफेक्ट नहीं होती, मसला ना अब ज्वेलरी जो है एयर रिंग्स को तो नहीं ना डिसइनफेक्ट कर रहे हैं, यानी जब आप अपने हैंड वगैरह हाथ वगैरह धो रहे हैं तो आप ज्वेलरी को तो नहीं ना साथ धोते हैं या कुछ और, तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग एरिया में इस तरह की चीज़ें ना पहने। सिंपल चीज़ यूनिफॉर्म हो और सिंपल या आप खुद हो, यानी कि कोई चीज़ इस तरह की ज्वेलरी वगैरह ना पहनी हो। यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल आई लैशेज नेल्स लाइकवाइज आर नॉट अलाउड, यानी इस तरह की आई लैशेज जो हैं या नेल्स आर्टिफिशियल नेल्स यूज़ करती हैं तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि क्रॉस कंटेमिनेशन काज कर सके। तो आज का हमारा टॉपिक था पर्सनल हाइजीन क्या होती है। पर्सनल हाइजीन यानी कि ये डिफरेंट टाइप्स जो मैंने बोला अभी ये सारा पर्सनल हाइजीन में आ जाता है। पर ये आप लोग इन सब पॉइंट्स को अच्छी तरह याद रखिए कि आप लोगों ने भी कल ही यानी इधर से फारग हो गए तो आपने भी डिफरेंट फूड इंडस्ट्री में जॉब वगैरह करनी है, तो फिर ये पर्सनल हाइजीन हर एक को पता होना चाहिए
क्योंकि ये चीज़ें हैं कि जिसे हम यानी कि अगर हम प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो फिर हम वर्क एज ए वर्कर ना ही कस्टमर के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ना ही एम्प्लाइज के लिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई प्रोसिक्यूशन वगैरह या डिफरेंट अगर कुछ भी क्योंकि हो सकती है तो फिर वो एंड फूड इंडस्ट्री के लिए कोई मसला नहीं, उसकी रेपुटेशन ख़राब नहीं होती। तो ये डिफरेंट टाइप्स की पर्सनल हाइजीन है, किस तरह हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, क्रॉस कंटामिनेशन कैसे यानी कि डिफरेंट थ्रोट की सिक्रेशंस और ये गंदे बर्तन और कपड़े और टॉवल्स वगैरह, फिर ये शेक हैंड्स वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें प्रोसेसिंग एरिया में से अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली कई केसेस में यानी बेबी केसेस वगैरह या इस तरह ये सारी चीज़ें क्रॉस कंटामिनेशन काज करती हैं, तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो वो कोई क्वेश्चन है उसका तो वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे टेक्स्ट कर दें तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रॉपरली उसका जवाब दूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्टे होम सेफ लाइफ, अल्लाह हाफिज़।